हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं। आप इसको शॉर्ट ट्रिक भी बोल सकते हैं, मेथड भी बोल सकते हैं। यह है न्यूटन पावर सम, ठीक है। जेई मेन जेई एडवांस के क्वेश्चंस पे आप इस ट्रिक को लगा सकते हैं। मैं आपको क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा। प्रीवियस ईयर जेई मेन में भी क्वेश्चन आए हैं और जेई एडवांस में भी क्वेश्चंस आए हैं, तो मैं इस ट्रिक से आपको ये सारे क्वेश्चंस जो है वो करके दिखाऊंगा। ये ट्रिक जनरली लोग क्वाड्रेटिक पे लगाते हैं और क्वाड्रेटिक के लिए बताते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि अगर क्यूबिक भी आ गया या और बड़ी हायर डिग्री की क्वेश्चन पॉलिनोमियल आ जाता तो उस पर भी कैसे लगा सकते हैं। पहले हम इसको समझ लेते हैं, ठीक है। समझने से क्या होता है कि आप क्यूबिक बाय क्वाड्रेटिक पे भी लगा पाएंगे अगर आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद इसका एप्लीकेशन देख लेंगे फटाफट। मतलब आपके क्वेश्चंस 10-10 सेकंड में होने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। इतनी बढ़िया ट्रिक है, ठीक है। इसके पहले आपने आपको बायनोमियल की भी एक प्रोडक्ट ऑफ बायनोमियल कॉफिशेंट वाली ट्रिक बताई थी ना, वो भी कितनी यूजफुल है। तो ये वाली भी बहुत यूजफुल रहेगी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और कभी आप इस ट्रिक का यूज़ करते दिखें खुद को तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस ट्रिक से आपको फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा। फिर और ट्रिक्स लेके आएंगे भाई आपके लिए, है ना। तो आइए पहले समझ लेते हैं, कुछ बेसिक बातें करते हैं। ज़्यादा पकाऊंगा नहीं, कुछ 2-4 मिनट ही बात करूंगा, फिर सीधा ट्रिक पे आएंगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कहते हैं इक्वल टू जीरो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन होती है। इसके कहते दो रूट होते हैं, अल्फा और बीटा, ठीक है। आपको मान लीजिए बोलता है कि एस एन आपका जो है वो कुछ इस फॉर्म का है, अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन, ठीक है। और प्लस की जगह माइनस भी होना तब भी ट्रिक काम कर जाती है। आपको एस एन ऐसा कुछ दिया होना चाहिए, अल्फा की पावर एन बीटा की पावर एन। तो ट्रिक क्या बोलती है, ट्रिक बोलती है कि आप यहाँ पे इसको एक्स स्क्वायर को जो है ना एस एन प्लस टू से रिप्लेस कर दीजिए। जो एक्स है उसको एस एन प्लस वन से रिप्लेस कर सकते हैं, और जो सी के साथ वन है ना उसको हमने एस एन से रिप्लेस कर देना। कह रहे ये चीज़ होल्ड करेगी। बेसिकली डिक्रीजिंग पावर कॉन्जिक्यूटिव वैल्यूज है बेसिकली सम की, ठीक है। डिक्रीज करती हुई, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं बोलूँ S9, S8 और S7, ठीक है। इस तरह से आप डाल सकते हैं। डिक्रीजिंग फॉर्म में आपको जो है वैल्यूज डाल देनी है एस एन की। आप ऐसा भी लिख सकते थे इसको एस एन बी टाइम्स एस एन माइनस वन यहाँ पे, ठीक है, प्लस सी टाइम्स एस एन माइनस टू। कहते सर कुछ पता तो चल नहीं रहा, यहाँ से कुछ पता नहीं चलेगा, क्वेश्चन दिखाऊंगा तो पता चलेगा। पहले जरा सा हम इसको समझ लें कि कोई एक आध प्रूव करके देख लेना। जैसे कि आप देखो यार, अल्फा अगर इसका रूट है तो क्या आप ऐसा बोल सकते हैं कि ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू जीरो होगा, और बीटा भी इसका रूट है तो ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी जीरो होगा ना। इक्वेशन के रूट है तो सेटिस्फाई करेंगे। इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो। लेट से आप ये वाला प्रूव करना चाहते हैं तो अल्फा की पावर एन माइनस टू से मल्टीप्लाई कर दो, और इसको मल्टीप्लाई कर दो बीटा की पावर एन माइनस टू से। कह रहे ऐसे कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं भाई, दूसरी तरफ तो जीरो ही है ना, क्या फर्क पड़ रहा है। तो ए अल्फा की पावर एन बन गया प्लस बी अल्फा की पावर एन माइनस वन बन गया प्लस सी अल्फा की पावर एन माइनस टू बन गया। कहते सर एस एन तो बना ही नहीं। अरे बनेगा एस एन, थोड़ा वेट करोगे तभी बनेगा ना। अब तुम चाहते हो कि फटाफट बन जाए, मैगी थोड़ी ना है, ये 2 मिनट में बन जाएगी ना। रुको थोड़ा, ये आ गया बीटा एन माइनस वन, सी बीटा एन माइनस टू आ गया। ऐसे करते दोनों को ऐड कर देते। सर कहते उससे क्या होगा, उससे होगा कि ए तो कॉमन ही आ जाएगा, तो अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन बन गया एस एन। बी कॉमन कर लिया, अल्फा की पावर एन माइनस वन बीटा की पावर एन माइनस वन बन गया एस एन माइनस वन। क्या बात है सर, ये तो बहुत ही बढ़िया बन रहा, ऐसा तो हमने कहते सोचा नहीं था। लेकिन अगर आपने एक बार प्रूफ देख लिया ना, अब आपको सारी चीज़ें समझ में आ जानी कि मैंने क्यों यहाँ पे माइनस वाला भी लिखा था। अगर माइनस वाला होता तो क्या करते, दोनों को फिर सब्ट्रैक्ट कर रहे होते भाई, और तो क्या कर रहे होते, है ना। बट हमें इन सब चक्करों में पड़ना नहीं। ये तो प्रूफ मैंने आपको इसलिए बताया कि कभी आपको क्यूबिक वगैरह करना पड़े तो आप कैसे हैंडल करेंगे, ये प्रूफ हो गया। अब मैं आपको क्वेश्चन करके बताता हूँ, बहुत ही आसान होते हैं क्वेश्चन और बढ़िया से आप कर सकते हैं। मैं एक बार आपको एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ। जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो हो और अल्फा बीटा इसके रूट दिए हैं। मान लीजिए आपको बोलता है कि एस एन की वैल्यू अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन है, तो आप अगर मान लीजिए 6, 7 और 8 में एक रिलेशन निकालना चाहते हैं, S6
S7 और S8 में कहते क्या रिलेशन होगा, और बड़ा ही आसान है, डिक्रीजिंग फैशन में लिख देना है, ए के साथ लिख देना, कॉफिशेंट उठाने हैं S8, बी के साथ लिख देना S7 और सी के साथ लिख देना S6, हो गया जी, यही तीनों में रिलेशन रहेगा, बड़ा ही आसान है। अब मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके बताता हूँ, मजा तब आएगा। कहता अल्फा बीटा इसके रूट्स है, हमने कहा बहुत बढ़िया, कह रहा है Sn की वैल्यू अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन है, हमने कहा और बढ़िया। तो कह रहा है 6, 5 और 4 में कैसा रिलेशन होल्ड करेगा, तो आपको तो पता ही है 6, 5, 4 में कैसा करेगा, 5s6 6s5 -2s4। तो आप देखिए आपका सुंदर सा एक रिलेशन बन गया है जो कि क्लियरली आपकी ऑप्शन नंबर 1 के साथ मैच कर रहा है। अरे कितने मिनट लगे क्वेश्चन को करने में, अरे सर मिनट तो लगे नहीं है तो सेकंड ही लगे, 5 सेकंड। अरे कहते सर हम तो ओरली ही कर देते देख के, हम पेन भी नहीं चलाते, ऐसा पेन ऐसे रखने का और इसको ऐसे देख के ही सॉल्व कर देने का कि हाँ भाई यहाँ 6 आएगा, यहाँ 5 आएगा, ये वाला और ये 4 आएगा, ये बढ़िया होगा, कितना आसान हो गया यार, 5 सेकंड में कितना टाइम बचेगा। आइए और दिखाता हूँ, ये फ्रीक्वेंटली पूछता है पेपर में, ऐसा नहीं है क्योंकि एक ही बार पूछा, मेंस में भी और एडवांस में भी। अल्फा बीटा कहते हैं इसके रूट है, अल्फा की पावर एन माइनस बीटा की पावर एन है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, प्लस हो चाहे माइनस हो एक ही बात है। 8, 10 और 9 में रिलेशन चाहिए, तो क्या आपको पता है 8, 10 और 9 में रिलेशन क्या होगा, भाई डिक्रीजिंग फैशन में लिखेंगे, S10 लिख लिया, -6 S9 लिख लिया और -2 के साथ S8 लिख लिया, तो कहते सर ये रिलेशन होगा। इन्होंने ऐसा कुछ पूछा, कोई बात नहीं इसको ऐसा बता देते, हमें क्या पता चला S10 -2S8 किसके बराबर है, 6S9 के बराबर है, तो भाई रिप्लेस कर दो वहां पे, तो A10 यहाँ पे यार S की जगह A आ गया ना, यही तो S है ना, अब इसने AN बोल दिया, तुम कंफ्यूज मत हो जाना कि ये क्या लिख दिया, इसको मैं चाहे तो ऐसे लिख देता हूँ A10 -2A8 = 6A9, ऐसा लिखना तो ऐसा लिख लो एक ही बात है, तो A10 -2A8 की जगह क्या लिख देंगे 6A9 / 3A9, तो बबुआ कितना आंसर आ गया, अरे 2 आंसर आ गए सर, ऑप्शन नंबर 3। अरे कितने सेकंड लगे, 10 सेकंड लगेंगे भाई ज्यादा से ज्यादा, मेरे को थोड़े ज्यादा लग गए, मेरी कैलकुलेशन थोड़ी स्लो है ना, बंटी का साबुन स्लो होता है तुम्हें पता है। अल्फा बीटा आर टू रियल नंबर सच दैट अल्फा प्लस बीटा इज 1, कह रहे अच्छा, अल्फा इंटू बीटा इज -1, कह रहे और अच्छा, तो पी एन दे रखा है अल्फा की पावर एन बीटा की पावर एन, कहते बहुत बढ़िया, पी एन -1 दे रखा है 11, पी एन +1 भी दे रखा है ना, तो पी एन के बारे में पूछा, तो यानी कि एन प्लस वन एन और एन माइनस वन की बात हो रही है, बात सही है ना, एन प्लस वन एन और एन माइनस वन की तो बात हो रही है, यही तो 3 कॉन्जिक्यूटिव है। अब आपके पास अगर सम ऑफ फ्रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स है तो क्या आप इक्वेशन लिख सकते हैं, करो लिख तो सकते हैं, x²-sx+p = 0 होता था, तो x²-sx मतलब 1 यहाँ पे आ गया, p कितना आ गया, p तो कहते सर -1 है, तो इक्वेशन बन गई x²-x -1, क्या बात सही है, कह रहे सही है, इसी के तो 2 रूट्स हैं अल्फा और बीटा, कह रहे आपका शॉर्टकट अप्लाई कर दें, हमने कहा कर दो डरने की क्या बात है, Sn+1, यहाँ पे Sn नहीं लिखते सर, P दिया हुआ है, आप P लिख के बताओ, बार बार Sn लिख देते हो, तो Pn+1 ये लिख दिया, माइनस कॉफिशेंट उठाने हैं, उसके बाद Pn लिख दिया, माइनस -1 है ना, तो -1 × Pn-1, कह रहे हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था Pn² कहते Pn-1 की वैल्यू गिवन है, कहते गिवन है, Pn+1 की वैल्यू गिवन है, कहते गिवन है, अरे तो बहुत टफ कैलकुलेशन है भाई, 29 में से 11 हटाएंगे तो पीएन की कितनी वैल्यू आएगी, कहते 29 में से 10 हटाए तो 19 आया, एक और हटा दो तो 18 आ गया, तो पीएन की वैल्यू 18, अरे Pn² कितना होगा, कहते 18 का स्क्वायर होगा, कहते वो तो हमें आता ही नहीं, अरे स्क्वायर देखो अगर आते होंगे तो जल्दी हो जाएंगे, नहीं तो ऐसे क्या मेरे जैसे करोगे, 8 8 64 6 कैरी 8 6 14 144 18 यहाँ पे आ गया, 4 यहाँ 2 यहाँ और 3 यहाँ, तो 324 आ गया, अगर तुम्हें याद होगा तो जल्दी लिख लो, नहीं तो फिर मेरे जैसे कर लेना भाई, ठीक है बढ़िया हो गया, कह रहे बहुत आसान है ये तो, आगे देखते हैं एडवांस का, सर एडवांस वाला तो मुश्किल होगा, अरे कुछ मुश्किल नहीं है वो भी आसान ही है, ये तो क्वेश्चन वैसा ही है जैसे हमने थोड़ी देर पहले किया था, याद है आपको, यही तो क्वेश्चन था यार, ये तो एडवांस में भी आ गया सर, मेंस में भी आ गया, सेम ही क्वेश्चन है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, 2 और वहां पे 3 था, यहाँ पे 2 है, अगर गौर से देखेंगे हल्का सा फर्क है नीचे वाले फैक्टर में, बाकी सारा सेम ही है, तो यहाँ पे माइनस में है, उधर देखिए उधर भी माइनस में ही था, वो सब तो सेम ही है, तो लिख देते हैं फिर, तो ये आ जाएगा A10 -6A9 -2A8, डिक्रीजिंग फैक्शन में लिखना भाई, ठीक है क्यूबिक वाला भी बताऊंगा थोड़ी देर में, अभी जाना मत, अभी 2 मिनट आए हो तो अभी सुन लो, अभी पूरा कॉन्सेप्ट करके जाना, फिर ही तो मजा आएगा, और अपने दोस्तों को भी करके दिखाना, उनको और मजा आएगा ना,
उनको मज़ा नहीं आएगा, थोड़ा ऐसे जेलसी सी करेंगे कि पता नहीं भाई ये इतनी जल्दी कैसे कर रहा है। इसको कहते हैं न्यूटन पावर, हम पता नहीं कहते हैं कि नहीं कहते, मैंने कह दिया ना, पता नहीं कोई कहता है इसको कि नहीं कहता। तो ये आ गया हमारे पास 3, तो बड़ा ही आसान है सर ये तो। अरे यार पिछले वाला भी 3 ही आया था, ये वाला भी 3 है, कैलकुलेशन थोड़ी गलत कर रहे। नहीं पिछले वाला तो सर 2 आया था ना, 3 नहीं आया था। चलो बढ़िया फिर, तो आइए अब ये वाला क्वेश्चन भी करके देख लेते हैं। ये पैसेज वाला क्वेश्चन है जिसका पहला तो हमें लग रहा है कि हमारे शॉर्ट ट्रिक वाला हो जाएगा, दूसरे में तो चलो कॉन्सेप्ट ही लगेगा क्वाड्रेटिक का, तो दूसरे वाले पे तो हम जाते नहीं, हम तो शॉर्ट ट्रिक वाले क्वेश्चन देख रहे हैं। तो पहले वाला मैं तुम्हें लगा के दिखा देता हूँ, यहाँ पे लगता आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे देखिए A12, A11 और A10 की बात हो रही है, तो यहाँ पे आपके पास डिक्रीजिंग फैशन में आप डालेंगे इस इक्वेशन में, तो क्या बनेगा A12 माइनस A11 माइनस A10। तो हमारे हिसाब से जो आंसर होना चाहिए A12 का वो क्या होना चाहिए, A11 प्लस A10, जो कि आपकी दूसरी ऑप्शन आ रही है। देखिए आप, तो आप देख सकते हैं कि शॉर्ट ट्रिक का जो यूज है ये इसमें तो यूज नहीं हो पाएगा, ये तो दूसरा कॉन्सेप्ट आ गया, उसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ लेना। हालांकि वो है तो लॉजिक ही जो हमने अभी अभी बात करी है, बट शॉर्ट ट्रिक वाला नहीं है। तो जहां पे भी शॉर्ट ट्रिक यूज हो रही होगी आप उन क्वेश्चंस को बहुत जल्दी बना पाएंगे, फटाफट बना पाएंगे, आपका काफी सारा टाइम जो है वो सेव हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ क्यूबिक पे लगाना हो तो क्यूबिक पे भी भाई लगा सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए AX³ प्लस BX² प्लस CX प्लस D इज इक्वल टू 0 है, इसके 3 रूट हैं अल्फा बीटा और गामा, और आपको दे रखा है SN क्या है, अल्फा की पावर n, बीटा की पावर n, गामा की पावर n। आपको पता ही है मैं क्या करने वाला हूँ इसमें। तो यहाँ पे आप ये बोल सकते हैं कि अगर मैं वही SN से स्टार्ट करूंगा ना, ASN तो B, SN-1 C, SN-2 और D SN-3 इक्वल टू 0। इस तरह से आप इसको डिक्रीजिंग पावर में ऐसे डिक्रीजिंग सम में लिख सकते हैं। कहते कैसे प्रूव करके दिखाना जरा, ए अल्फा क्यूब प्लस बी अल्फा स्क्वायर प्लस सी अल्फा प्लस डी इज इक्वल टू 0। इसको किससे मल्टीप्लाई करिएगा, इसको मल्टीप्लाई हम कर देंगे अल्फा की पावर n-3 से। उससे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए अल्फा की पावर n प्लस बी अल्फा की पावर n-1 प्लस सी अल्फा की पावर n-2 प्लस डी अल्फा की पावर n-3। तो क्या आप देख पा रहे हैं कि भाई ऐसा ही आप बीटा में भी लिख पाएंगे और ऐसा ही आप गामा में भी लिख पाएंगे। तो ये बीटा में लिख दिया हमने और ये हमने गामा में लिख देना है इसको, ए गामा पावर n, बी गामा पावर n-1, सी गामा पावर n-2। ऐसे कई सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में ना मैंने प्लेलिस्ट डाल दी है, तो आप वहां से ऐसी अच्छी अच्छी चीजें जो है ना वो सीख सकते हैं और अपनी प्रेपरेशन को और आसान कर सकते हैं, जेई एडवांस के लिए खुद को प्रिपेयर करते हैं। सबको सम कर देने का भाई, ए टाइम्स अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n प्लस गामा की पावर n, बी टाइम्स वही आ गया फिर यार, ये सम क्या बन जाएगा, SN-1 बोल दो इसको, इतना कौन लिखेगा, ये बन गया SN-2 और ये बन गया आपका SN-3 इज इक्वल टू 0। ये पहले वाला आपका क्या बन गया, SN बन गया, तो वही चीज बन गई। तो आप किसी भी डिग्री पे लगा सकते हैं, यहाँ पे अगर बीच में एक में माइनस है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, इन दोनों को माइनस कर देना, अगर तीसरे को ऐड कर देने का, इट इज गोइंग टू गिव यू द सिमिलर रिजल्ट। ठीक है, अगली बार इसका यूज करिएगा, मेरे को कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहा हो। ऐसे और कई सारे वीडियोस आने वाले हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। आपके साथ मिलेंगे बहुत जल्द अगले वीडियो में, और आपकी प्रिपरेशन को और सिंप्लीफाई बनाएंगे और आसान करेंगे। ठीक है, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।